जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और उसी जगह पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इसके बाद राम भक्तों का सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और विधि विधान से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई और इसके बाद उन्होंने डंके की चोट पर कहा, हम राम से राष्ट्र तक की नीति पर चलते हैं और इसीलिए हम राम के काम को सबसे आगे रखते हैं। इसके बाद अब तमाम बीजेपी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक बयान आया है ओवैसी के घर से। यह ऐसा बयान है जिसे सुनकर ओवैसी बंद कांप जाएंगे। जी हां, टाइगर राजा सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने डंके की चोट पर कहा है और तमाम ट्वीट किए हैं। साथ ही उन्होंने गोशा महल, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई आयोजन भी किए, प्रसाद भी वितरण किया और इसी दौरान ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। आपको बता दें कि टी राजा सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं और अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई तो टी राजा सिंह ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने लिखा, सारी दुनिया देख रही हम कैसा वचन निभाते हैं, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं, जय श्री राम। तो टी राजा ने ये ट्वीट किया। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम ट्वीट किए हैं। जैसे एक और ट्वीट में उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा संघर्ष रहा है और कितना बड़ा सपना पूरा हुआ है। इस ट्वीट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, राम भगवान की तस्वीर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखते हैं, 500 वर्षों से 100 करोड़ हिंदुओं की तपस्या, लाखों हिंदुओं का बलिदान, जिसके बाद आज हो गया भव्य मंदिर निर्माण। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जय श्री राम। इसके अलावा उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें भी जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ठीक ऊपर लिखा है, जन जन में जिनकी निष्ठा है अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर तस्वीर में जो कुछ लिखा है उसमें लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो कुछ इस तरीके से टी राजा सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद दहाड़ लगाई है और ओवैसी के गढ़ में उन्होंने भगवा लहरा दिया है और डंके की चोट पर कहा है, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। फिलहाल टी राजा सिंह के इन ट्वीट्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अयोध्या से आई भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भी देख लीजिए।